Good morning, student. How are you? I hope all are fine. Myself, Madhuri Tanaya Pradhan, science teacher of standard 2. So today we have discussed about modern test paper 2. This test paper is based on chapter 4 to 7. आज हम क्या discussion करेंगे? Modern test paper 2. वो जो test paper chapter 4 से लेके chapter 7 तक है. वहीं के बारे में हम आज डिस्कशन वो जो टेस्ट पेपर है वहीं के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे. सो चूज द करेक्ट आंसर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स लाइक लायन एंड क्रोकोडाइल आर. यस देयर आर थ्री ऑप्शन. ऑप्शन ए इज फ्लेश ईटिंग एनिमल्स. ऑप्शन बी इज प्लांट ईटिंग एनिमल्स. ऑप्शन सी इज ग्रेन ईटिंग एनिमल्स. ओपन योर बुक पेज नंबर 59. So animals like lion and crocodile are flesh eating animals because these animals eat flesh of other animals. So lion and crocodile are called flesh eating animals. Question number 2. The places in our body where two bones are joined are called joints. देखो हमारे body में एक place में जहाँ पे दो two bones एक साथ joint होगा वही place को हम क्या बोलेंगे? Joints बोलेंगे. Houses in the hills have sloping roofs. और जो hills में जो houses होते हैं वो sloping roof होते हैं. Choose the correct answer complete. Write down in your copy. Animals like lion and crocodile are flesh eating animals. Question number 2. The places in our body where two bones are joined are called joints. Question number 3. Houses in the hills have sloping roofs. Complete जो choose the correct answer already complete वहीं के बारे में हम discussion कर लिए. Then fill in the blanks by choosing the correct word. यहाँ पे कुछ words है वहीं से आप choose करके उसका correct answer लिखा हुआ है जहाँ पर blanks है. पक्का houses are made of brick and cement. देखो brick and cement है और thatch and mud. क्या हुआ? Mostly पक्का houses are made of brick and cement. वही wear dash clothes in rainy season. सिंथेटिक और कॉटन. आप रेनी सीजन में किस टाइप का क्लथ पहनना जरूरी है? व्हिच टाइप ऑफ क्लथेस डू यू वेयर इन रेनी सीजन? वी वेयर सिंथेटिक क्लथेस इन रेनी सीजन. डैश गिव शेप्स एंड सपोर्ट टू द बॉडी. बोन्स और जॉइंट्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी बोन्स. बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. डैश एंड डैश आर एंडेंजर्ड एनिमल्स. कैट एंड काउ और टाइगर एंड पांडा. सो द करेक्ट आंसर विल बी टाइगर एंड पांडा आर एंडेंजर्ड एनिमल्स. राइट डाउन इन योर कॉपी. फिल इन द ब्लैंक्स. Thank you.
tiger and panda are endangered animals. Yes. पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट. वी वेयर सिंथेटिक क्लॉथेस इन रेनी सीजन. वोन्स गिव सेफ्स एंड सपोर्ट टू द बॉडी. टाइगर एंड पांडा आर एंडेंजर्ड एनिमल्स. फिल इन द ब्लैंक्स. ऑलरेडी कंप्लीट. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन. जो स्टेटमेंट सही है उधर आप टिक करोगे एंड जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उधर आप क्या करोगे क्रॉस करोगे. लायन एंड क्रोकोडाइल आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स. मीन जो लायन एंड क्रोकोडाइल है वो दोनों प्लांट ईटिंग एनिमल्स. नो सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इधर आप क्या करना है कि क्रॉस करना है क्योंकि वो स्टेटमेंट रॉन्ग है. ईटिंग टू मच फूड इज ए हेल्दी हैबिट. ज्यादा खाओगे तो आपको क्या हेल्दी हैबिट होगा. नहीं दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो इधर आप क्या करना है कि क्रॉस करना है. टाइट क्लथेस आर कंफर्टेबल. वो जो टाइट क्लथेस वो कंफर्टेबल नहीं है वो स्टेटमेंट सही है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो यू कैन टिक. इधर आपको क्या करना है कि टिक करना है. हाउसेस बिल्ट इन हिल्स एरिया हैव स्लोपिंग रूफ. वो जो हिल्स एरिया में जो हाउस होता है उन पे स्लोपिंग रूफ होता है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो इधर आपको क्या करना है कि टिक करना है. Lion and crocodile are plant eating animals. This statement is wrong. So इधर आपको क्या करना है कि क्रॉस करना है. Question number 2. Eating too much is a food is a healthy habit. This statement is wrong. So इधर आपको क्या करना है कि क्रॉस करना है. Question number 3. Tight clothes are not comfortable. Sloping roofs. Houses built in hills areas have sloping roof. The statement is correct. So इधर आपको क्या करना है कि टिक करना है. वो जो थर्ड आई ऑल्सो कंप्लीट. देन आई भी मैचिंग द फॉलोइंग कलम ए करेक्टली विथ कलम बी. कलम ए के साथ आप इधर कलम बी को मैच करना है. करा भेन तो वो क्या है ये हाउस ऑन व्हील्स उनके साथ मैच करना है. मसल्स फिक्स्ड टू द बोन सो बोन के साथ फिक्स्ड होते हैं. उलन क्लथेस आप कौन से सीजन में पहनते हैं. विंटर सीजन. देखो इधर विंटर सीजन लिखे तो उलन क्लथेस को आप विंटर सीजन के साथ मैच करना है. बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या है. फूड्स दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रोथ. जो बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है कि वो हमारे बॉडी का ग्रोथ होने के लिए हेल्प करे. मतलब फोर को आपको बी के साथ मैच करना है. देन जॉइंट्स प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स आर जॉइंट वहीं के साथ आपको मैच करना है जो कि वही था मैचिंग था. तो उसके बाद सी द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम. ऑल्सो मेंशन वेदर इट इज ए पक्का और कच्चा. देखो इग्लो वो है बिल्डिंग.
ना जो फर्स्ट पिक्चर इज इग्लो, सेकंड पिक्चर इज बिल्डिंग। वो जो मॉडल टेस्ट रिपोर्ट 2 था वो भी ऑलरेडी हम डिस्कशन कर लिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जो सैंपल टेस्ट पेपर 1 है वही को हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आप क्या करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर 2 को आपका जो साइंस कट में है वही पे अच्छी तरह से आपको लिखोगे, और स्कूल का जो हॉस्टल है वहीं पे आके सबमिट करना है। कहाँ पे है कि इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज फील्ड, वहीं से मतलब जो स्कूल का हॉस्टल में आके आपका कॉपी को आप क्या करोगे कि सबमिट करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हमें क्या पढ़ेंगे, सैंपल टेस्ट पेपर 1 वहीं को हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।